मदनी सूरत है जैसे कि हम अब तक पढ़ चुके हैं काफी हम इससे पहले मक्की सूरते थी अब मदनी सूरत हम पढ़ रहे हैं ये और इसमें चार रुकू और तीन आयत हैं और इस सूरत को अल अलकताल भी कहा जाता है इसका दूसरा नाम अल अलकताल भी है क्योंकि इसके अंदर जंग का बाकायदा हुकुम दिया गया अब इससे पहले जो हम सूरह अहकाफ पढ़ रहे थे उसके अंदर क्या था उसके अंदर ये आपको सब्र करना है मुशरकिन मक्का अजियत पहुंचा रहे हैं परेशान कर रहे हैं लेकिन आपको क्या करना है सबर करना है जैसे कि उलुल आजम पैगंबरों ने सबर किया था और सबर और हिम्मत से काम लेना है ठीक है अब इस सूरत के अंदर अब हुक्म आया किसका तिताल का कि अब अब जंग करनी है अब तिताल करना है ठीक है जब ये मदीना में ये सूरह नाज़िल हुई तो देखते हैं इसमें बसमनिम अल्लादीना वो लोग जिन्होंने कफरू कुफर किया कफर या यकफुरु से वसदू और उन्होंने रोका सद्दा या सुद्दू से सद्दू स्वाद दाल दाल स्वाद और उन्होंने रोका अन सबीलिल्लाह अल्लाह के रास्ते से अदल्लाह उसने जाया कर दिए अदल्लाह युदिल्लू से वेस्ट कर दिए जाया कर दिए आमाल अपने आमालम लाम, लाम से बनाया ना ये बाब इफ़ाल पर है इदलाल से जैसे आ, सूरे फील में तदलील का लफ्ज आया है वो इसी से इस्तेमाल हुआ यानी बेकार होना बर्बाद होना जाया होना ठीक है तो इस इसमें जो है इस इसके एक मीनिंग क्या लिए जाते हैं जाया होना बर्बाद होना या रास्ते से हट जाना या बेकार हो जाना गुमराह भी हम इसी लफ्ज से पढ़ते हैं तो इसमें ज़ाया भी आता है कि उसने ज़ाया कर दिए उनके आमाल अब देखें कि वो लोग जिन्होंने कुफर किया और अल्लाह के, के रास्ते से रोका अब उनके अमाल कौन से अमाल उनके जो हैं वो ज़ाया हो गए कौन से ऐसे अमाल हैं उनके जो वेस्ट हो गए तो एक तो ये कि अब कुफ्र किया वो कौन है इसका एक मतलब ये है कि उन्होंने आप वाले के खिलाफ जो साजिशें की अल्लाह ने उन्हें नाकाम बना दिया और उन पर उन्हीं को उलट दिया दूसरा मतलब यह है कि उनमें जो कुछ अखलाक थे यानी मक्का में वो वो जो मुशरकिन मक्का थे वो उनके अंदर कुछ खूबियां भी थीं, जैसे कि मैंने आपको जिक्र किया था पहले भी एक तो सुलह रहमी थी उनमें कैदियों को आज़ाद करना मेहमान नवाजी करना और हाजियों की या खानबे की तरफ जो हाजी जा रहे होते थे हिजाज की खिदमत करना है ना और इसके अलावा और भी बहुत सारे अमल थे उनके जो वो किया करते थे तो अगर वो क्या कर रहे हैं उन्होंने कुफर किया तो अल्लाह ताला ने इनके सारे अमल को क्या कर दिया जाया कर दिया सारे अमल उनके क्यामत के दिन वेस्ट है यानी जो वो अच्छे काम किया करते थे गरीबों को खूब दिया करते थे है ना और खूब मेहमान नवाजी किया करते थे वादे के बहुत पक्के थे लेकिन ये सब कब कबूल होता है ये सब तब कबूल होता है जब हम अल्लाह को मानते हो और ये काम जो है वो अल्लाह ताला के लिए किए जा रहे हो अल्लाह ताला की रजा के लिए किए जा रहे हो कि अगर हमें किसी को एक गिलास पानी पिलाना है ना तो उसके अंदर भी क्या होनी चाहिए अल्लाह ताला की रजा होनी चाहिए वरना अगर हम अल्लाह की रजा के लिए नहीं पिलाएंगे ना वो पानी भी वो पानी पिलाना कितनी इतना अच्छा है लेकिन वो कबूल नहीं होगा अगर वो अल्लाह के लिए ना पिलाया जाए तो शर्त क्या है अल्लाह पर ईमान लाना तभी ये सब काम भी फिर बाद में कबूल किए जाते हैं तो अब उनकी उनका बदला तो दुनिया में मिल जाएगा उन्हें क्यों जो वो अच्छे काम करते थे लेकिन आखिरत में कोई बदला नहीं क्यों क्योंकि वो, उन, वो कुफर किया करते थे अल्लाह पर ईमान नहीं लाते थे वजीना और वो लोग जो आम ईमान लाए अच्छा इस सूरत अब ये देखें जरा ये मदना, मदीना में ये सूरे मदनी है तो मदीना में नाजिल हुई जब तक मुसलमान मक्का में थे थे ना मक्का में थे तो सिर्फ एक ही तरह की मुश्किल थी मजहबी आजादी नहीं थी है ना बस आ, सामने जो दुश्मन थे कुफार थे और वो जो हैं हर तरीके से परेशान कर रहे थे एक ही तरीके से ये परेशानी थी लेकिन जब ये मदीना में आए है ना तो बहुत सारी मुश्किल थी मुसलमानों के लिए एक तो अंदरूनी तौर पर मदीना के यहूदी थे नसारा थे उनकी अलग अलग साजिशें थी जो अंदर ही अंदर से जो हैं लोगों को खोखला कर रहे थे मुसलमानों को परेशान कर रहे थे मुनाफिकीन भी थे उनसे भी उनसे भी निमटना था और फिर बाहर तो थे ही अहले अरब जो कि इकट्ठे होकर मुसलमान पर हमलावर होने वाले थे तो दोनों तरीके से क्या था मुश्किले ही मुश्किलें ही मुश्किलें थी दोनों तरीके से तो दोहरी परेशानियां थी अंदर अंदरूनी भी परेशानी थी मदीना के अंदर भी और फिर बाहरी परेशानी भी थी जबकि मदीना में थे तो कम मक्का में थे तो बाहर की परेशानी नहीं थी अंदर ही अंदर से निमटना था लेकिन अब सिचुएशन बदल गई है अब मुश्किलात बढ़ गई हैं तो आप ये देखें कि म, म, मक्का से छोड़कर हिजरत करके कहाँ आए मदीना म, मदीना में आए और हो सकता है कि मन में ये सवाल आए कि रिलीफ था कि थोड़ी शांति मिल जाए सुकून मिल जाए रिलीफ मिल जाए तो देखिए रिलीफ कहीं नहीं है अहले ईमान को रिलीफ तो मरने के बाद ही मिलता है जब आप यहाँ से फारिग हो जाएंगे या अब आप कुरान पढ़ लेंगे मुकम्मल हो जाएगा तब आप पर भी बहुत बड़ी जिम्मेदारियां होंगी ऐसा नहीं है कि कुरान पूरा हो गया तो आपको रिलीफ मिल जाएगा आप कहेंगे चले अब तो छुटकारा मिल गया अब तो हम अब जो है कम से कम एक ये वाला टाइम भी हमारा फ्री होगा तो ऐसा नहीं है बल्कि जिम्मेदारियां क्या होती हैं और बढ़ जाती है रिलीफ तो सिर्फ कब्र में ही होता है इंसान बजाय इसके कि ये रिलीफ ढूंढे कि मुझे रिलीफ कहाँ मिल मिलेगा बल्कि वो ये सोचे समझे कि मेरी बख्शिश कैसे होगी और मुझे क्या करना चाहिए जैसे कि हदीस खुदसी में आता है ना कि अल्लाह ताला फरमाता है कि मैंने तो सुकून को जन्नत में रख दिया तो जो चीज दुनिया में है ही नहीं तो वो मिल ही नहीं सकती तो यहाँ हम चाहे जितना भी अपना सर फोड़ ले ऐसा ऐसा है हमें यहाँ पर मिलेगा ही नहीं और फिर देखें कि अब अल्लाह ने उनके अमाल को जाया कर दिया ठीक है ये जो है अदल्ला अदल्ला जो है ये माजी का सीगा आ रहा है यानी जाया हो चुके और ये जो है किसकी बात की जा रही है फ्यूचर की मुस्तकिल ये मुस्तकबिल की बात की जा रही है तो जब फ्यूचर यानी क्यामत के दिन उनके अमाल जाया हो गए हो जाएंगे तो माजी में क्यों कहा जा रहा है जबकि क्यामत में होंगे तो माजी के सीगे में जब कोई बात बोली जाती है तो यकीनी तौर पर वो बात पक्की होती है यानी कोई अगर आपसे कहे कि ये काम करो तो आप उसको जवाब देंगे कि समझो वो तो हो चुका है ना इसका मतलब क्या है कि वो तो डेफिनेटली हो गया मतलब उसमें कोई शक ही नहीं है समझो वो तो हो चुका या हम वो हम कहें कि हाँ ठीक है हम कर देंगे तो एक श्योरिटी नहीं मिलती लेकिन हाँ समझो वो तो हो चुका तो इसका मतलब क्या है कि हाँ एक श्योरिटी है कि वो तो डेफिनेटली है यकीनी तौर पर वो काम हो जाएगा तो इसलिए यहाँ पर क्या है कि अदल्ला जाया कर दिए समझो कर दिए आम आलूम उनके अमाल क्यों क्योंकि उन्होंने कुफ्र किया अब दूसरी तरफ व लदीना और वो लोग जो आमन ईमान लाए व अमीलू और उन सबने ए, आ, और सब ने अमल किए और वह सब ईमान लाए उस पर जो नुजिला नाजिल किया गया अनजलाईलू से अला मुहम्मदिन मोहम्मद सल्लल्लाहु वसल्लम पर हुल हक वही हक है मे रब उनके रब की तरफ से कफर परा उसने दूर कर दी कफरा फरा कफरू कहते हैं दूर करने को कफरा यू नहीं है ये ये बाब अलग है इसके मीनिंग बाब जब बाब अलग हो जाता है मीनिंग भी चेंज हो जाते हैं देखिए तजदीद आ रही है तो कफरा उसने दूर कर दी कफारा भी इसी से होता है ना कफारा हो गया गुनाहों का यानी दूर हो गए अब तो वही उसने दूर कर दी अनहूम से सही आती ही उनकी बुराइयां व असलहा और उसने इसलहा कर दी बाल उनके बाल की बाल मतलब उनके हाल की बाल कहते हैं हाल को चाहे वो अंदरूनी हाल हो चाहे बातिन हो या जाहिर हो यानी सामने के हो या छुपे हुए हालात हो यानी उसने उनको उनकी इसलाह कर दी तो यानी क्या है कि वो लोग जो ईमान लाए और जिन्होंने अमल किए और फिर ईमान लाए किस पर मोहम्मद अलैहि वसल्लम पर क्यों क्योंकि वो हक हैं जिसने जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाया मतलब कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को फॉलो किया तो क्या हुआ यानी अल्लाह ताला उसके गुनाहों को यानी उसके गुनाहों का कफारा कर देंगे उसकी बुराइयों को दूर कर देंगे और उसके लिए क्या है और उसके लिए जन्नत का और उसके लिए उसने इसकी उस, उनके हालात की इसलाह कर दी यानी क्यामत के दिन भी और दुनिया में भी उस पर कोई खौफ नहीं होगा उस पर कोई परेशानी नहीं होगी अब देखें कि यहाँ पर क्या शर्त लगा दी गई के ईमान लाना और ईमान लाने के साथ साथ नेक अमल करना और इसके साथ दूसरी बात क्या बता दी गई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करना ये शर्त लगा दी गई ठीक है और इसमें यह देखें कि हद, जैसे हदीस में आता है कि एक दफा हजरत उमर तोराद के चंद वर के लाए और आपके सामने बैठ पढ़ने लगे तो जो जवाब जब आप वो पढ़ने लगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे का रंग बदल गया तो सैयद अबू बकर ने और हजरत उमर खताब को खिताब करके कहा कि तुमको गम करने वालियाँ गम करें यानी तुम क्या हो गया है कि तुम जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे को नहीं देखते यानी पढ़ रहे थे पढ़ते पढ़ते, पढ़ते ऐसा होता है ना कि हम उप, जब इतना खो जाते हैं पढ़ने में तो हम ऊपर उठ चेहरा उठ, उठ, उठाकर नहीं देखते तो यही हुआ चेहरा उठाकर नहीं देखा तो जब हजरत तो उमर ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चेहरे की तरफ देखा तो कहने लगे कि मैं अल्लाह से और उसके रसूल के गज़ब से पनाह मांगता हूँ हम अल्लाह के हम अल्लाह के परवरदिगार होने पर इस्लाम के दीन होने पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी होने पर राजी हैं तो इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस ज़ात की कसम जिसके कब्जे में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है अगर आज खुद मूसा जाहिर हो जाए और तुम मुझको छोड़कर उनकी पैरवी करो तो सीधी राह से गुमराह हो जाओगे और अगर मूसा आज जिंदा हुए और मेरी नबूवत का जमाना पाते तो उन्हें भी मेरी इत्तबा के सिवा कोई और चारा ना होता यानी उन्हें भी मेरी पैरवी करनी होती तो इसमें क्या है कि जो लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी साथ में फॉलो करेंगे उसी के अमाल कबूल होंगे जैसे कि हम अगर नमाज पढ़ रहे हैं तो नमाज भी हमारी कैसी होनी चाहिए वैसी जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें पढ़कर दिखाई क्योंकि अगर हम उसको भी अपनी मर्जी से पढ़ेंगे क्योंकि नमाज तो अच्छा है पढ़ना है ना और लेकिन अगर हम उसमें भी दो की जगह तीन सजदे कर दें तो क्या वो हमारी नमाज कबूल होगी नहीं होगी तो इस पर क्या है कि अमाल वही कबूल होंगे और इसलाह तभी होगी जब हम सुन्नतों को फॉलो करने वाले बने <clears throat> और कुरान को फॉलो करने वाले बने क्योंकि कुरान तो अल्लाह ताला की किताब है कुरान पर तो ईमान लाना ही है कुरान को फॉलो करना है और साथ में शर्त ये भी है कि हदीस पर भी ईमान मान लाना है अगर हम कुछ लोग ये कहते हैं ना हम कुरान को मानते हैं हम हदीस को नहीं मानते हदीस से तो आजकल जो है वो मिक्स हो गई है और पता नहीं किसको माने और किसको नहीं माने ऐसे तो हम गुमराह हो जाएंगे ये हो जाएगा वो हो जाएगा सही हदीसे जो है वो अल्लाह तला ने हिफाजत से रखवा रखी है वो सिक्योर है वो हिफाजत से है बस ये है कि रेफरेंस देखे वो सही हदीस हो और उस पर ईमान लेकर आए अगर हम सिरे से मना कर देंगे कि हम हदीस को नहीं मानते तो फिर देखें कि इस आयत पर हम फिर खड़े नहीं उतरते क्योंकि इस साहित में क्या है कि एक तो ईमान लाना भी है और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी ईमान लाना है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल हुई और फिर हदीस भी है उस पर भी ईमान लाना जरूरी है जैसे कि हदीस का हुक्म है कि जिसकी छींक पर हमद करने का जवाब दिया हुआ दिया गया हो उसे चाहिए कि यह हदी कह कहे यानी खुदा तुम्हें हिदायत दे और तुम्हारे हालात सुधारे है ना तो इस तरह की हदीसें हमें मिलती है अब जैसे इसमें है कि अल्लाह हालात को सुधारता है उनके हालात की राह करता है ऐसे ही अगर मुसलमान अगर छींकता है तो ये भी हदीस मिलती है कि उसको छीकने पर दुआ भी करनी चाहिए कि अल्लाह ताला तुम्हें हिदायत दे और तुम्हारे हालात की इस्लाह करे ठीक है फिर आगे देखे के जालिका ये भी अन्ना इस वजह से अल्लादीना वो लोग जिन्होंने कफरु कु इत तबाऊ उन्होंने पैरवी की इतबात तब से इत तबाऊ उन्होंने पैरवी की अलबातिला बातिल की किसकी झूठ की बातिल की वा अन्ना और ये के अल्लादीना वो लोग जो आमन ईमान लाए इतबाऊ उन्होंने पैरवी की उन्होंने इतबा की ये फेले माजी है इतबाद तबी से अलहक्का हक की रब अपने रब की तरफ से कजाली का इसी तरह यदरिबू बयान करता है दो यदरिबू से अल्लाह अल्लाह लिन लोगों के लिए अमसाला हूँ उनकी मिसाले इस तरह अल्लाह ताला लोगों के लिए उनकी मिसालें बयान करता है अब यहाँ पर क्या है कि मान ले कि पहली आयत में क्या था कि जो लोग जिन्होंने कुफ्र किया अल्लाह ताला उनके उनके अमाल को भी क्या कर देता है जाया कर देता है ठीक है और फिर जो ईमान लाए और उन अल्लाह ताला और जो उस ईमान लाए और नेक अमल करे अल्लाह ताला उनके अमाल को कबूल करता है बल्कि उनकी बुराइयों को भलाइयों में बदल देता है उनके हालात को अल्लाह ताला दुरुस्त कर देता है है ना उसकी नेकियां भी फिर कबूल होनी शुरू हो जाती हैं और फिर जो ऐसा नहीं करता उसकी नेकीिया उसकी नेकियां भी जाया हो जाती है और क्यों हो जाती हैं क्यूं? क्यों क्योंकि उन्होंने कुफर किया इसका रीजन बताया गया है हकीकत बताई गई है कि ऐसे लोगों के जो कुफ्र करते हैं ऐसे लोगों के अमाल क्यों जाया हो जाते हैं क्योंकि वो अल्लाह तला की जात के साथ कुफ्र करते हैं और बातिल की पैरवी करते हैं पैरवी किसकी झूठ की बातिल की और झूठ क्या है और बातिल क्या है शैतान को मानना और अपने अपने, अपने शैतान को मानना या अपनी ख्वाहिशातों की पैरवी करना या फिर अपने बाप दादा के तरीकों पर चलना यही क्या है ये बातिल की पैरवी है अगर बाप दादा हमारे सही रास्ते पर नहीं है तो उनकी पैरवी नहीं करनी लेकिन अगर वो सही रास्ते पर है तो उनकी पैरवी करनी है जैसे कि यूसुफ अली इस्लाम का एग्जाम्पल हमारे सामने है उनके बाप और उनके दादा वो क्या कहते हैं मैं तो अपने बाप दादा के दीन पर हूँ जो बिल्कुल सही दीन लेकर आए थे है ना जो सही है उनकी पैरवी करनी है लेकिन जो गलत है अपनी अकल लगानी है 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 कुरान को करना है, और को फॉलो फॉलो करना करना और हदीस तभी हमारी कबूल होगी तो ऐसा क्यों हुआ उनके अमाल क्यों हो, क्यों हो गए क्योंकि उन्होंने बातिल की पैरवी की और जो ईमान वाले हैं वो हक की पैरवी करते हैं इसी तरह अल्लाह ताला मिसालें दे दे कर लोगों को समझाता है वह इजा और जब लकी तुम तुम मुलाकात करो अब हुक्म आ गया किसका किताल का जंग का अब जब तुम मुलाकात करो लकी तुम लाम या इसके रूट लेटर्स हैं लकी या माजी यल का यल का फेले मुजारे फेले माजी जब तुम मुलाकात करो मिलो अल्लजीना उन लोगों से जिन्होंने कफरू कुफर किया फतो दरबा मारना दरबा या दरीबू से दरब दर्व, दरबुन ये मस, ये मजदर है मारना तो मारो मारना है रिकाब गर्दनों का रिकाब गर्दनों का यहाँ तक के इधर जब अमू तुम खून खूब खून बहा चुको उनका अब देखें सा, सा नून से ये बना है इसका मतलब क्या होता है इस न इस खान यानी गाढ़ापन गाढ़ेपन को कहते हैं यानी अच्छी तरह खून रेजी करने को अच्छी तरह खून बहाने को जब तुम खूब अच्छी तरह खून बांधो खून रेजी कर दो यानी जंग हो फुद्ध फिर मजबूत बांधो शुद्ध से मजबूती से बांधना बंधन वसाक बंधन फ इम्मा, फिर अगर फिर अगर, फिर चाहे या फिर अगर मन्नन एहसान करो मन्ना या मुन्नू मन्नन ये मजदर है बादू इसके बाद व इम्मा और चाहे फिदियत। फिदा अन फिदिया लो हत्ता यहाँ तक के तदा रख दे वदा यदि उसे बना है तदा माजी है फीमेल का सीगा है क्योंकि हर्ब फीमेल के लिए फीमेल होता है जंग फीमेल तो रख दे हरबु जंग रहा अपने हथियार औज़ार अपने हथियार जालिका ये है क्या है हुक्म वलो और अगर यशु चाहता शाहआ यशाऊ से चाहता अल्लाह अल्लाह लंग तसरा जरूर वो बदला ले लेता इन तसरा तसुरू से लंग तसरा जरूर वो बदला ले लेता मीनू उनसे वलाकिन और लेकिन लिया बिल्लू ताकि वो आजमाए बला या से बनाए तो लेकिन ये जो है फेले मुजारे है वाओ पर जबर आया है ली की वजह से ताकि वो आजमाए तुम्हारे बाद कोजी को और वो लोग जो कतीलु मारे गए कतल किए गए कतला यक्तुलू से, माजी के रास्ते में फलन हरगज भी नहीं युदिल्ला वो ज़ाय करेगा अदल्ला से युद्ल हो गया लाम पर आखिर में जबर आ गया लन की वजह से क्योंकि जब लन आता है फेले मुजारे के आगे तो अः माजी में जबर में कर देता है मायने को सॉरी मुजारे के मुजारे को लास्ट को जबर कर देता है और फ्यूचर में ले जाता है मायने तो हरगिज भी नहीं वो जाया करेगा आमाला हूं उनके आमाल अब यहां पर देखे अब ये आयत जो है बहुत ज्यादा इस आयत को पकड़ के ना बहुत ज्यादा कॉन्ट्रडिक्शन निकाले जाते हैं और बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म किया जाता है बहुत ज्यादा कॉन्ट्रोडिक्शन निकाले जाते हैं बुरा भला कहा जाता है लेकिन मुसलमान भी कुछ ऐसे हैं वो कहते हैं कि देखो ऐसी आयतें जो हैं नहीं होनी चाहिए कुरान में या किस तरह की आयतें हैं तो फिर देखें कि हर चीज जो है ना अपने कॉन्टेक्स्ट में समझ में आती है आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट अगर हम कोई चीज समझेंगे ना तो वो क्या करेगी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोई चीज समझेंगे तो वो तो वही होगा ना कि हम 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 जो है भटक जाएंगे मामला उलट हो जाएगा हमें जो है सही समझ में नहीं आएगा उलट ही समझ में आएगा तो और कोई अगर ये पूछे कि, कि कुरान में ऐसी आयत है तो हम झूठ भी नहीं बोल सकते कुरान के बारे में कि नहीं है हाँ कुरान में ये आयत है ऐसी आयत है लेकिन कॉन्टेक्ट से समझे और क्यों है ये भी समझे क्योंकि कुरान में हर चीज के रूल्स दिए गए हैं सिर्फ एक ही चीज का रूल नहीं दिया गया यानी सिर्फ यानी जिंदगी में ऐसी भी सिचुएशन आती है जंग की भी सिचुएशन आती है जब इस तरह की सिचुएशन आए तो तब क्या किया जाए तो अब इसमें अब देखें जैसे कि डॉक्टर है डॉक्टर अगर कड़वी दवाई देता है तो क्यों देता है दवाई कड़वी दी ना या ऑपरेशन करता है तो हम उसको ये नहीं कहेंगे ना कि देखो हम डॉक्टर के पास गए इसने तो चीर फाड़ के डाल दिया हमें देखो इसने क्या कर दिया देखो इसने तो मार मारने का इरादा है या ये है या वो है ऑपरेशन जरूरी था ऑपरेशन करना है और उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता वो जरूरी है इसी तरह हर हर तरह के रूल्स कुरान में दिए गए हैं और जब लड़ाई होती है जंग होती है और जंग, जंग हर माशरे में होती है हर सोसाइटी में होती है और उसके रूल हर जगह होते हैं चाहे वो मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो अब जंग अगर हो रही है पहले तो क्या कहा है इतनी बार कहा है कि रोको 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 सबर करो सबर करो सबर करो उसके बाद जब हिजरत भी हो गई कॉन्टेक्स्ट है कि ना जब पहले मुसलमानों को सिर्फ सबर करने को कहा गया कि आप सिर्फ सबर करो उसके बाद भी उन पर अजियतें दी जा रही है उनको उन्हें परेशान किया जा रहा है उन्हें सताया जा रहा है उनको मारा जा रहा है काटा जा रहा है उनको जो है इतनी इतनी अजियतें दी जा रही हैं कि उनके उनके ऊपर परेशान करने के बाद करो फिर भी वो जो है उनकी तकलीफे और बढ़ गई और बढ़ गई फिर क्या कहा अच्छा तो ठीक है अब हिजरत कर लो हिजरत कर गए मदीना में आ गए मदीना में भी उन्होंने सुकून से नहीं बैठने दिया मदीना में अब वो जंग के लिए आ रहे हैं अब जब सामने वाला जंग के लिए आ रहा है तो हम नहीं बैठ सकते ना शांत कि हाँ आ बैल मुझे मार क्या आओ मुझे तुम मारो अपने आप को नहीं सर्व करेंगे ना फिर फिर जब जंग शुरू होती है तो फिर जंग होती है और जब जंग हो रही है अब उसके रूल बताए जा रहे हैं जब हो तो अब तुम्हें क्या करना है अब तुम्हें पीठ नहीं दिखानी है पीठ दिखाकर तुम्हें नहीं भागना है और फिर अब अब जंग के अंदर कोई रहम नहीं किया जाएगा और फिर देखें कोई भी जंग हो कौन जंग में रहम करता है नहीं ना तो चाहे किसी भी सोसाइटी में हो जंग होती है तो वो प्रॉपर जंग होती है ऐसा नहीं होता कि उसमें जो है उनको नहीं कुछ किया जाएगा वो तो फिर हम हाँ आकर सामने से हमें मार देगा तो क्या है कि तुम खूब खूब खून रेजी कर लो यानी उनकी गर्दनों पे मारो उन्हें अच्छी तरह पकड़ो अब अब रहमत करो अब जंग हो रही है तो अब उन्हें अच्छे से पकड़ो खूब कस के पकड़ो और फिर जब तुम्हारे हाथ में कैदी आ जाए यानी वो लोग आ जाए तुम्हें मिल जाए तो खूब अच्छे से उन्हें बांधो जंग के दौरान जब मारका चल रहा है है ना अब जब यानी अब जंग ही है काम दिए जा रहे हैं कि जब तुम्हारी मुठभेड़ हो जाए लड़ाई शुरू हो जाए तो उनकी गर्दनें उड़ाओ तलवारें चलाकर है ना और फिर जब देखो कि दुश्मन जो है वो हार रहा है या उसके आदमी काफी कट चुके हैं तो बाकी को मजबूती से बांधो और जब लड़ाई खत्म हो जाए मार का पूरा हो जाए फिर तुम्हें इख्तियार है फिर तुम्हारे अपने हाथ में है कि या तो तुम कैदियों को जब लड़ाई खत्म हो जाए या तो कैदियों को एहसान के बगैर ही छोड़ दो मतलब उनके ऊपर एहसान करो उन्हें छोड़ दो या फिर तुम्हें ये भी इख्तियार है कि उनसे कुछ ले लो उनसे कुछ मुआवजा ले लो उनसे कुछ जंग वसूल कर लो और फिर उसके बाद तुम उनको छोड़ दो ठीक है अब ये कब कब का है अब ये जंग बदर में जैसे हुआ था कि उनसे फिदिया लेकर छोड़ दिया गया था यानी मुसलमानों में जो भी अल्लाह के में कत्ल किए गए फिर उनके अमाल के बारे में बताया गया है कि पहले अगर अल्लाह चाहता यानी अल्लाह ताला ने क्या कहा अगर अल्लाह चाहता तो खुद उनसे बदरा ले लेता लेकिन अल्लाह ताला तुम्हारे बास को बास के जरिए से हटाता है तुम्हारे बास को बास के जरिए से जो है वो क्या करता है अल्लाह ताला जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं ना सूरह बकरा में सूरह आले इमरान में या सूरह बकरा में के आखिर में हम पढ़ चुके हैं के अगर अल्लाह तुम्हारे बास को बास के जरिए हटाता है यानी जो लोग जो लोग हर धर्म हो जाते हैं जो लोग फसाद करना शुरू कर देते हैं तो उनको हटा दिया जाता है दूसरे नेक लोगों के जरिए है ना यही अल्लाह ताला का उसूल है और यही शुरू से चलता आ रहा है और फिर जो लोग अल्लाह ताला के रास्ते में कत्ल किए गए फिर उनके अमाल की कि हर गिज भी उनके अमाल जो है वो जाया नहीं किए जाएंगे और उनको अल्लाह ताला के पास से बहुत कुछ जो है वो मिलता है अब इसमें देखें <clears throat> अब यहाँ पर एक कैदियों के साथ सुलूक कैसा किया जाए वो बताया जा रहा है वो भी हमें पता होना चाहिए जो कि आप रसूल अल्लाह ने हमें बताया भी है कि एहसान उनके साथ एहसान भी करना एहसान में क्या आता है इसमें ना कि उनके साथ एहसान करना तो उसके अंदर क्या आएगा कि एक तो ये कि उन जब वो कैद हैं हमारे पास जब कैदियों के साथ हम उनको कैद कर रखा है तो कैदियों कैदी की ही हालत में उसके साथ अच्छा बर्ताव किया जाए दूसरा कत्ल या हमेशा की कैद की बजाय उनको गुलाम बनाकर लोगों के हवाले कर दिया जाए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारे गुलाम तुम्हारे भाई हैं जिन्हें अल्लाह ने तुम्हारे अंडर दिया अब जिसका भाई उसके उसके हो तो उसको चाहिए उसको चाहिए कि वो इसी तरह से खिलाए जो वो खुद खाता है और उसी में से पहनाए जिसको वो खुद पहनता है यानी अगर गुलाम बना दिया गया तो फिर उसके साथ अब अच्छा सलूक करना है अब उसको वही खिलाना पिलाना है जो हम खाते पीते हैं और वही पहनाना है जो हम पहनते हैं ऐसा नहीं कि अब वो गुलाम है तो उसके साथ जैसा चाहे वैसा रवैया किया जाए अब ऐसा नहीं होगा है ना और उसको और और फिर ये भी है कि उसको ऐसे काम की तकलीफ ना दो जो वो नहीं कर सकता इतना बर्डन मत डालो उसके ऊपर जो वो नहीं कर सकता अगर वो ऐसे काम की ऐसी तकलीफ दे तो खुद भी उसकी अगर हम मान लो अगर हम उसको ऐसा काम दे रहे हैं बहुत भारी काम दे रहे हैं तो खुद भी मदद करो उसकी साथ में ऐसा नहीं कि फिर उसी के ऊपर छोड़ दो फिर साथ में उसकी खुद भी मदद करो और फिर ये तीसरा ये कि उन पर जिजिया लगाकर उनको जिम्मे बना लिया जाए यानी जो इस्लामिक हुकूमत में गैर मुस्लिम लोगों से टैक्स लिया जाता है तो वो टैक्स लेकर उनको जिम्मे बना लिया जाए चौथा ये कि उनको बिना मुआवजा रिहा कर दिया जाए है ना या तो फिदिया लेकर छोड़ दिया जाए या फिर कोई सर्विस लेकर उनको छोड़ दिया जाए और जंगी कैदियों का तबादला यानी एक्सचेंज कर लिया जाए यानी अगर हमारे लोग उनके कब्जे में हैं तो क्या किया जाए कि उनको देकर अपने लोग ले लिए जाएं तो ये सब तरीके हैं जो कि अगर आते हैं कैदी हाथ में तो ये सब किया जाता है फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कैदियों के साथ अच्छा सलूक करो उन कैदियों में से जो जंगे बदर में थे अबू अजीज बयान करता है कि मुझे जिन अंसारियों के घर में रखा गया वो सुबह शाम मुझको रोटी खिलाते और खुद सिर्फ वो खजूर खाते उस वक्त रोटी बहुत महंगी आती थी क्योंकि वहां गेहूं जो है इम्पोर्ट करके आता था ना तो रोटी जो है बहुत मामूली चीज नहीं थी लेकिन वो फिर भी कैदियों को क्या खिलाते थे रोटी एक कैदी सुहेल बिन अमर के बारे में आप अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि ये बड़ा मुकर बयान या आतिश है यानी ये ऑडिटर है यानी बहुत जबरदस्त बयानी करता है बहुत जबरदस्त तकरीरें करता है तो आपके खिलाफ बहुत बोलता है आप उसके दांत तोड़ दें तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर मैं उसके दांत तोड़ दूंगा तो अल्लाह ताला मेरे दांत तोड़ देगा अगरचे मैं नबी हूँ है ना यानी ऐसा नहीं है कि हम उनके साथ कैसा भी सुलूक कर दें अगर वो कैदी बनकर आए हमारे साथ इसी तरह यमामा के सरदार थे एक खुमामा बिन उसाल जब गिरफ्तार होकर आए तो जब तक वो कैद में रहे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से उनको अच्छा खाना पीना और दूध मिलता रहा क्योंकि उनके घर में उनकी यही गजा थी क्योंकि वो मौजिद शख्स थे सरदार थे तो उनको इज्जत देनी चाहिए उनकी डिग्निटी का भी ध्यान रखना चाहिए लेकिन हाँ ऐसी चीज सर्व नहीं करनी चाहिए जो इस्लाम के खिलाफ हो मसला अगर वो शराब पीते थे तो उनको शराब दे दो ऐसा भी नहीं है इस्लाम के खिलाफ कोई बात नहीं की जाएगी और जो शख्स कैद होने से पहले ही इस्लाम कबूल कर ले तो उसको फिर कैद भी नहीं किया जाएगा और अगर कैद होने के बाद इस्लाम कबूल कर ले तो उसको आजाद किया जाएगा लेकिन नहीं इसमें यह भी आता है कि मान लो अगर उसने जो है कैद होने से पहले पहले इस्लाम कबूल कर लिया तो उसको कैद नहीं किया जाएगा लेकिन अगर कैद होने के बाद इस्लाम कबूल करे तो ये उसकी आज़ादी का सबब नहीं बन सकता क्योंकि ये झूठ बोलकर भी छूट सकता है यही पहले उसको रखा जाएगा उसको देखा जाएगा उसके बाद उसको छोड़ा जाएगा हजरत इमरान बिन हुसैन की रिवायत में है कि आ, बनी अकील का एक शख्स गिरफ्तार होकर आया और उससे कहा कि उसने कहा कि मैं इस्लाम मैंने इस्लाम कबूल कर लिया आपने फरमाया अगर ये बात तूने इस वक्त कही होती जब तू आजाद था तो यकीनन फला पा जाता और फिर यही बात हजरत उमर कहते है ना और जजिया लेकर ले जिम्मे बना दिया जाए इसका मतलब क्या है कि उनके सारे हकूक या जान माल की हिफाजत फिर मुसलमान हुकूमत की जिम्मेदारी होती है ये एक तरीका है अब जैसे गजवा बन मुस्तलक के मौके पर जब उनके कबीले के कैदी लाए गए और वो लोगों में बांटे गए तो हजरत जुएरिया जिस शख्स के हिस्से में थी उनका मुआवजा देकर आपने उनको रिहा करवाया था क्योंकि वो जुएरिया उनके सरदार की बेटी थी इस एहसान पर सब मुसलमानों ने अपने हिस्से के कैदियों को आजाद कर दिया कि अब ये तो आप सल्लाम के रिश्तेदार हो गए क्योंकि आप अब उनके साथ निकाह कर, हो गया था आपका तो इस तरह का एहसान देकर भी छोड़ा जा सकता है इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब मुसलमानों को उस वक्त जमा किया और फिर फरमाया ये लोग ताइब होकर मेरे पास आए हैं फरमा होकर मेरी राय यह है कि कैदियों को कैदी उनको दे दिए जाए आपल्ला वसलम ने फरमाया जो खुशी देना चाहे तो ठीक है अगर वो मुआवजा चाहे तो आइंदा बैतुल माल में जो पहली आमदनी आएगी उसमें से उनको मुआवजा दे दिया जाएगा लेकिन लोगों ने क्या किया खुशी खुशी कैदियों को रिहा कर दिया इसी तरह देखें उनसे ये वाले देखेंग्जाम्पल भी मिलते हैं कि उनसे कुछ लेकर छोड़ा जाए जैसे जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दमात कैद हुए थे तो उनको छुड़ाने के लिए वो हार पेश किया गया था जो हजरत खदीजा ने अपनी बेटी को दिया था जो फिदी में आया था लेकिन ये नहीं है कि हमें जो है जंग की आरजू करनी चाहिए कभी भी जंग अल्लाह ताला से दुआ नहीं करनी चाहिए जंग की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया के लोगों दुश्मन से भिड़ने की आरजू मत करो और अल्लाह से आफियत मांगो लेकिन अगर भिड़ जाओ तो फिर साबित कदम रहो और जान लो कि बहिश तलवारों के है और फिर इसके आखिर में क्या कहा गया कि जो लोग अल्लाह के रास्ते में कत्ल हो जाए यानी जंग हो रही है अल्लाह के रास्ते में कत्ल हो जाए तो अल्लाह ताला उनके अमाल को कभी भी जाया नहीं करेगा सयाह दी हिम वो जरूर हिदायत देगा उनको सयाह दी हिम हदा यहादी से जरूर जल्द ही या जरूर हिदायत देगा उनको या रहनुमाई करेगा उनकी वह यूसलीहू और वो इस्लाह कर देगा या दुरुस्त कर देगा इसलहा यूसली हूँ दुरुस्त कर देगा हूँ उनके हाल को उनके हालात को उनके हाल को वायुद्लू हूँ और वो दाखिल करेगा उन्हें अद अदखलाुद्लू से वो दाखिल करेगा उन्हें अलजन्नता जन्नत में अर्रफा उसने पहचान करा दी उसकी अर्रफ़ा उसने पहचान करा दी उसकी उनको किन को? जन, ये किस किसके बारे में कह रहे हैं ये जन्नतियों के बारे में कह रहे हैं और जन्नतियों को क्या क्या मिलेगा मसंद अहमद में आता है कि शहीद को छह इनाम हासिल होते हैं उनके खून का पहला कतरा जमीन पर गिरते ही उसके सारे गुनाह माफ हो जाते हैं उसे उसका जन्नत का मकान उसको दिला दिया जाता है और नहाय खूबसूरत और बड़ी बड़ी आंखों वाली हूरों से उसका निकाह करा दिया जाता है वो 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 बड़ी घबराहट से अमन में रहता है कब्र के अजाब से बचा लिया जाता है उसे ईमान के जेवर से आरास्ता करा दिया जाता है इसी तरह एक और हदीस में ये भी आता है कि उसके सर पर वक़ार का ताज रखा जाता है जो याकूत का जड़ावा होता है जिसमें एक याकूत तमाम दुनिया और उसकी तमाम चीजों से बेहतर है और उसे बेहतर ऊर साथ में मिलती हैं जो अपने खाविंद के सत्तर शख्सों के बारे में उसकी शफात कबूल की जाती है यानी एक तो ये कि उसको अः हूरे भी मिलती हैं और फिर उसकी जो है शफात भी कबूल की जाती है अगर वो किसी के बारे में सिफारिश करेगा तो वो भी कबूल की जाएगी ये हदीस त्रिमिजी और इब्ने माजा में भी है सही मुस्लिम में भी है और शहीद शहीद के गुनाह यानी जो शहीद होता है उसका कतरा जब जैसे ही गिरता है जमीन पर वैसे ही उसको उसके सारे गुनाह माफ कर दिए जाते हैं और फिर उसको जो है जन्नत में उसकी जगह बता दी जाती है उसको उसके जन्नत में उसका घर दिखा दिया जाता है और फिर इबन अभी हातिम में है कि जिस इंसान के साथ उसके अमाल का मुहाफिज जो फरिश्ता था वही उसके आगे आगे चलता है यानी जब चलेगा जब ज, लोगों को जन्नत मिलेगी और ये उसको अपनी जगह पहुंचा देगा जैसी वो जगह पहुंचेगा अपनी जन्नत में वो फौरन पहचान जाएगा ये तो मेरी जगह है फिर वो अपनी ज़मीन में सैर करता हुआ होगा और जब सब देख चुकेगा तब फरिश्ता हट जाएगा और ये अपनी लज्जतों में मशगूल हो जाएगा इसी तरह सही बुखारी में आता है जब मोमिन आग से छूट जाएंगे तो जन्नत के तो और जन्नत के दो दो के दरमियान एक पुल पर रोक दिए जाएंगे और आपस में एक दूसरे पर जो भी अः जुल्म किए थे उनके उन उनका जो है वो बदला उतार लिया जाएगा और जब बिल्कुल पाक साफ हो जाएंगे तो जन्नत में जाने की इजाजत मिल जाएगी खुदा की कसम जिस तरह तुम में से हर एक शख्स अपनी दुनियावी घर की राह जानता है और घर को पहचानता है उससे भी बहुत ज्यादा वो लोग लो अपनी मंजिल और अपनी जगह से वाकिफ होंगे फिर फरमाता है ईमान वालों यानी जैसे कि आगे अल्लाह ताला कह रहे हैं ना इस हदीस में भी जैसे आयत नंबर में या आमनू ए लोगों जो ईमान लाए हो इन अगर सुरु तुम मदद करोगे नसरा यंसुरु से सुरु ना था इनकी वजह से नून ड्रॉप हो गया अगर तुम मदद करोगे अल्लाह अल्लाह की यं वो मदद करेगा तुम्हारी नसरा यंसुरु अब ये यंसुर क्यों है जसम क्यों है अगर तुम क्योंकि पहले हुक्म आया ना कि अगर तुम मदद करोगे अल्लाह की तो वो मदद करेगा कुम तुम्हारी और वो जमा देगा युसबितू से जवाब आ रहा है इस बात का कि वो जमा देगा अकदामा कुम तुम्हारे, तुम्हारे कदमों को यानी अगर तुम अल्लाह ताला की मदद करोगे अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा और वो तुम्हारे कदमों को जमा देगा यानी हम हमें साबित कदम रखेगा हमें वो जमा देगा और कयामत के दिन भी वो साबित कदम रखेगा है ना जैसे कि आता है कि जिसका जैसा अमल होता है उसको वैसे ही उसकी जजा मिलती है और वो वैसे ही अल्लाह ताला उसके कदम को भी मजबूत कर देगा हदीस में जो शख्स किसी अख्तियार वाले के सामने एक ऐसी हाजतमंद की हाजत पहुंचाए जो खुद वहां ना पहुंच सकता हो तो क्यामत के दिन अल्लाह उसे पुल सिरात पर उसके कदम मजबूती से जमा देगा यानी मान लो अगर हमने किसी की जरूरत पूरी करी हो या हमने कोई कहीं जा रहा हो कहीं कहीं दूर जा रहा हो इसने हमसे कहा हो कि मेरा ये काम कर देना और मैंने उसका काम कर दिया हो है ना उसकी उस वक्त मदद कर दी हो तो अल्लाह ताला कयामत के दिन हमारी मदद करेगा हमारे कदमों को पुलिस रात पर जमा देगा ठीक है तो और लेकिन वलना वो लोग जिन्होंने कफरकफ्र किया फातो त तबाही है बर्बादी है तबाही है उनके लिए अदल्ला और उसने जाया कर दिया आमाला उनके आमाल को तासन तास से बनाए तास किसको कहते हैं डिस्ट्रक्शन को कहते हैं तबाही को कहते हैं इसके अपोजिट यानी जो नेक अमल करेंगे वो जो है Uh, उनके लिए जो है जन जन्नत के बाला खाने हैं घर हैं लेकिन इसके अपोजिट जो पीछे हट गए क्योंकि यहाँ पर देखें जंग के बाद फौरन जन्नत की बातें क्यों आ रही है क्योंकि एक मुश्किल काम है उसमें साबित कदम रहना मुश्किल काम है किताल का उसमें और उसमें शहीद भी हो सकते हैं उसमें कुछ भी हो सकता है बहुत कुछ नुकसान भी होता है उसके अंदर लेकिन अगर कोई उस वक्त साबित कदम रहा तो अल्लाह ताला उसको हर वक्त फिर साबित कदम रखेंगे लेकिन कोई अगर भटक गया जिसने कुफ्र किया तो फिर उसके लिए तबाही है और उसके अमाल भी अल्लाह तला क्या कर देते हैं जाया कर देते हैं क्यों कर देते हैं क्योंकि उन्होंने ये भी अन्ना इस वजह से नापसंद किया करीहा नापसंद किया, जो अंजला ना दिल किया। अल्ला अल्ला ने बता और उसने बर्बाद कर दिए अहबा या युह से उसने जाया बर्बाद कर दिए अमाल हूं उनके अमाल को क्योंकि उन्होंने क्या किया नापसंद किया किस चीज़ को नापसंद किया अल्लाह के अल्लाह के काम बात को मानने को ना पसंद किया कुफ्र ये नहीं होता कि मैं अल्लाह को नहीं मानती कुफरी में ये भी आ जाता है कि मानती तो हूं या मानता तो हूं लेकिन ये क्या है कुरान में ऐसा क्यों है वैसा क्यों है यानी अहकाम के साथ बुग्ज रखना या अल्लाह ताला के नाजिल किए हुए चीज को नापसंद करना तो या फिर कराहत करना या फिर ये ये देखो ये क्या है कुरान में ये देखो ये कैसी बात है कुरान में ये भी कुफ्र होता है उनके अमाल भी फिर उनका हिसाब भी फिर अल्लाह तला उनसे लेगा ठीक okay. है और फिर फिर देखें के सिर्फ जन्नत जो है सिर्फ शहदा के लिए नहीं शोहदा के लिए तो खैर अल्लाह ताला ने बहुत ज्यादा इनाम उनके लिए कर रखे हैं लेकिन उनके अलावा बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जिसके लिए जो है हमारे ऊपर जन्नत जो है वो भी वाजिब हो जाती है हमारे हमारे अल्लाह ताला का वादा है फिर जन्नत का वो ये ऐसे अमल भी हैं अमले सवाले भी हैं ठीक है थीके? तो आप जैसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे उम्मीद है कि तुम अपनी नेक औलाद समेत जन्नत में दाखिल होने से पहले वहां अपनी रिहायशगा बना लोगे है ना अब ये सवाल ये पैदा होता है कि कौन से काम ऐसे हैं जिसको करने से हम जन्नत में दाखिल होंगे है ना क्योंकि वहां पर हमें पहले से पहले घर बनावा मिलेगा जैसे कि ना पहले से पहले घर बनावा मिलेगा तो सबसे पहली चीज उसमें नमाज आती है लेकिन अफसोस ये है कि हम नमाज से बहुत दूर हैं अगर हमने नमाज ही छोड़ दी है और हम जो है बाकी सारे काम कर रहे हैं तो फिर हमें नहीं पता कि वो काम हमारे कैसे कबूल होंगे या नहीं होंगे क्योंकि नमाज पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है उसके साथ तो ही हमारे अमल जो है वो कबूल होते हैं क्योंकि नमाज जन्नत की कुंजी है ना इसी तरह जैसे कि रसूल अल्लाह ने फरमाया जो शख्स दिन में बारह रकतें अदा करे उसके लिए जन्नत में एक घर बना दिया जाएगा चार रकतें जोहर से पहले दो जोहर के बाद दो मगरिब के बाद दो ईशा के बाद दो फजर से पहले इसी तरह चाश्त की चार रकतें या जोहर से पहले पढ़ना भी जन्नत में ले जाने का बाइस बनता है फिर इसी तरह मस्जिद बनाना मस्जिद की तामीर करना चाहे वो छोटी सी ही क्यों ना हो वो भी जन्नत के लिए वो भी जन्नत हमारे लिए जन्नत में घर बनाने का जरिया बनती है है ना तो जैसे कि हम किसी की किसी के लिए घर जब हम मस्जिद में अगर मस्जिद में कोई पैसे मांग रहा है मस्जिद में पैसे दे दें हती के एक ईंट भी लगवा दें उसका एहतमाम करें मस्जिद की सफाइयों का एहतमाम करें तो ये भी हमारे लिए जन्नत में ले जाने के अमल में से इसी तरह सूर्य अखलास पढ़ना जिक्र असकार करना ये जन्नत के लिए जन्नत में ले जाने वाले जन्नत में घर बनाने का जरिया है अल्लाह के खातिर किसी से मुलाकात करना यानी किसी एहसान का बदला चुकाने के लिए नहीं या किसी लालच के लिए नहीं सिर्फ अल्लाह के खातिर अल्लाह ने फरमाया जो शख्स अल्लाह के लिए किसी बीमार की इयादत या अपने दीनी भाई से मुलाकात करने जाता है तो आसमान से एक पुकारने वाला ऐलान करता है कि तुम भी पाक हुए तुम्हारा चलना भी पाक है तुमने जन्नत में घर बना लिया यानी देखें कितनी बड़ी नेकी है सिर्फ एक अः कब कब हम बीमार को देखने जाते हैं Once in a while, और उसमें भी हमें इतनी नकियां मिलती है नकियां ने, मिलती हैं तो ये भी जन्नत में ले जाने का सबब है इसी तरह सफ़ो को पुर करना जन्नत में ले जाने का बाइस बनता है सफ़े पुर करना सफ़े भरना आप वसल्लम ने फरमाया जो शिगाफ को पुर करता है अल्लाह उसके लिए जन्नत में घर बनाता है और उसके जरिए उसके दर्जे बुलंद करता है फिर इसी अल्लाह तला के खातिर झगड़ा छोड़ देना अपने हक़ से दस्तरदार हो जाना रसोल्ला ने फरमाया मैं जिम्मेदार हूँ एक महल का जन्नत की एक जानब में उस शख्स के लिए जो झगड़ा छोड़ देगा अगरचे हक पर हो और एक महल का जन्नत के दरमियान उस शख्स के लिए जो जो झूठ छोड़ देगा अगरचे मजाक में ही हो और जन्नत की आला मंजिलों में एक महल का उस शख्स के लिए जो अपने अख, अखलाक को उमदा बना लेगा यानी जो अपने अखलाक को अच्छा कर देगा सबसे आला दर्जे पर उसका घर होगा तो ये सब काम भी हमें जन्नत में जन्नत में घर बनाने का जरिया बनते हैं तो अल्लाह ताला हमसे कबूल करें और हमें तोफीक दें कि हम ये नेक काम करा करें और अल्लाह ताला हमें साबित कदम रखे और हमें जमाए रखे वामदी सुबहना कल हमदी का नशहता سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بنحمتك يا رحمة الراحمين